रुकना बता रही थी कि मम्मी ने आज आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। पता नहीं मम्मी मुझसे क्यों नफरत करती, लेकिन फुरकान आज इस बात के लिए मैंने यहाँ तुम्हें बुलाया, तो बहुत जरूरी बात है। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। अरसलान का अफेयर चल रहा है किसी फड़िया नाम की लड़की के साथ। ये लड़की वो तो नहीं है जो मेरे आने से पहले उनकी जिंदगी में थी? हाँ शायद ये वही है, क्योंकि भाई तो इससे शादी करना चाहते थे, लेकिन इसकी तो शादी हो गई थी अपने कजन के साथ, ये वापस कहाँ से आ गई? सलाम की भाभी, कोई बात नहीं, हो सकता है ये फरिया वो ना हो, कोई और हो। सलाम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते? फुरकान, पीछे हटो। जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो अरसलान? क्या हो गया आपको? धोखा हुआ है, सब कुछ भी नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें? बेगैरत, बेहया, बहन का घर तो छोड़ देती। खड़े क्या हो तुम, इसको तलाक दो इसी वक्त। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपको धोखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कहती हूँ तलाक दो इसे। क्यों किया तुमने ये सब, और कब से चल रहा है तुम लोगों का ये चक्कर? भाई मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी तुम। हमारी बहुत बड़ी गलती थी जो मैं इन लोगों को अपने घर में ब्याह कर लेकर आई। शुक्र करो तुम्हारा बाप मर गया, तुम लोगों की करतूत देखता ना तो वो तो खुद पंखे से लटक के मर जाता। बेगैरत, बेहया, बेशरम, खड़े यहाँ क्या देख रहे हो? इसे तलाक दो, इसको मैं एक मिनट अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं मम्मी प्लीज, सुना ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं मर जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मी का क्या क्या होगा? मेरे और फुरकान के दरमियान में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रहम करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज सुना प्लीज। पापा इसे अभी के अभी इसके घर छोड़ के आ जाए आप। तुम पागल हो गए? इसे तलाक दो, ऐसे कैसे इसको यहाँ से जाने दोगे? निकाल बाहर करो उसको तलाक दे के। अरसलान, अरसलान मेरी, तुम यहां क्या खड़े हो, निकलो यहां से। बेशरम कहीं का,